गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिवम मलिक के बारे में। तो आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले कैरी मिराटी ने शिवम मलिक के ऊपर रोस्ट निकाला था, जिस पर उन्होंने रिप्लाई भी किया था। बट कल ही उनका मनोज दो के चैनल पर एक इंटरव्यू आया है और वो वहाँ पर कैरी मिराटी के बारे में बात करते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। पता है कि कैरी मिराटी के चैनल पे भी इनका एक ऐसा वीडियो बना था, नेगेटिव वीडियो। ये सब चीजों को आप कैसे मतलब हैंडल किए, कैसे? अब इस एंगल को ना दो तरीके से देख सकते हैं और मैं दोनों तरीके से देखता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं हूँ कि बिल्कुल एक अच्छा इंसान बन के बोलूंगा कि हाँ वो अपना काम कर रहे हैं तो ठीक है, उन्हें करने दो या कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों एंगल से देखता हूँ। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उनका वो कॉन्टेंट है, उन्हें मुझसे कॉन्टेंट मिला, ठीक है, कोई नहीं। और दूसरी ये चीज भी देख सकते हैं, जैसे हमारे लिए वो वीडियो बनाते हैं, बताते हैं हमारी खामियां गलतियां, फिर मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जनता के, तो क्या पता वो खामियां मेरे अंदर सच में और वो चीज देख के मैं अपने आपको सुधार रहा हूँ। उस एंगल से भी देखता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सोचने में। जैसे हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक पे भी जा रहे हैं, तो कुत्ते अगल बगल में बहुत आते हैं भौंकने वाले, है ना, ये ठीक है। और हम जा रहे हैं, हमारी मंजिल है बहुत आगे, अब रास्ते में इस चौराहे पे कुत्ते आए, उस पे आए, उस पे आए, उस पे आए, अब ऐसा तो नहीं हर चौराहे पे ब्रेक। तो चलिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एमवे बंटाय के बारे में, लेकिन यार उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस एमवे बंटाय आइसो स्पीड को वीडियो कॉल करते हैं और आपको पता ही होगा कि आइसो स्पीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन है और वो मैसी से बहुत हेट करते हैं। तो एमवे बंटाय इसी चीज पर उनके लिए बहुत ट्रोल करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने कैसे ट्रोल किया। Who's better, Barbara Cole or Ronaldo? See, for sure, since I'm an Indian and I would 100% support Virat Kohli for sure, bro. So for me, Virat Kohli. You know what, bro? You know what? I know you like. Yeah, he knows. You know what? Thing, bro. Just show you. It's messy forever. It's hey, fuck up, boy. Oh, my mama about to come to India. Oh, God, I'm about to come to India. I'm about to come to Mumbai. And I'm about to play a fuck. Nah, it's funny. नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। तो आपको पता होगा कि मनोज दे ने ज्योति के साथ शादी कर ली है, तो कुछ लोग उनको कमेंट्स और कुछ हेटर्स उनको स्टोरी में मेंशन करते रहते हैं। फाइनली अब मनोज दे का इस चीज के ऊपर रिप्लाई आ गया करके स्पेशल पिक विद मनोज भैया। तो भाई साहब, आपको इंस्टाग्राम अगर चलाना नहीं आता तो चलाना सीखिए पहले, ठीक है। ये Q&A की थी, आस्क मी ए क्वेश्चन, तो किसी ने इसको लिखा है कि मनोज भैया के साथ आप एक फोटो लगाइए, स्पेशल फोटो विद मनोज भैया। वो किसी ने इसको बोला इसका सब्सक्राइबर, तब इसने मेरे साथ फोटो लगाया, वो मुझे भैया बोल रहा है, मेरा सब्सक्राइबर। ये नहीं बोल रही ये ठीक है, कुछ ना मिले तो कुछ भी शेयर करने लग जाओ। जलनखोरी के भी एक मतलब हद होती है।